हमारे देश में ध्यान और साधना का विरोध विशेष स्थान रहा है, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति में भी अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था। लेकिन मैकाल शिक्षा पद्धति ने इसे खत्म कर दिया। ध्यान से होने वाले विभिन्न लाभ को देखते हुए समीपस्थ ग्राम अंडा में स्कूल के बच्चे व शिक्षक नियमित ध्यान करके शिक्षा आरंभ करते हैं, जिसके विभिन्न लाभ अब देखने को मिल रहे हैं। देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को नेस्त नाबूद कर दिया, जिससे कई सारी विषमता सामने आई। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ध्यान का भी एक विशेष स्थान होता था। ध्यान करने की पद्धति से आज की युवा पीढ़ी को जोड़कर पुनः एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना अंडा गांव के स्कूल में की जा रही है। स्कूल की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या सीमा जम्भुलकर की विशेष पहल पर यहाँ के सभी शिक्षक व विद्यार्थी एक साथ बैठकर ध्यान की प्रक्रिया सीखते हैं एवं नियमित रूप से 10 मिनट ध्यान करके शिक्षा आरंभ करते हैं। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी विधि है जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह करती है, जिससे मन शांत होता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। इससे क्रोध और अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, इससे हम तनाव से भी दूर रहते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से चल रही इस ध्यान प्रक्रिया में अनेकों लाभ विद्यार्थियों और शिक्षकों को हो रहा है, जिसके बारे में बताते हुए शिक्षकों और बच्चों ने कहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्कूल में करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए एक नींव का पत्थर है और बच्चों की जो नींव है वो मिडिल प्राइमरी और हायर सेकेंडरी में ही बनती है और एक टर्निंग पॉइंट होता है किशोर बच्चों के लिए, जिस समय वो काफ़ी इधर उधर भटक जाते हैं, भटकाव का समय रहता है। तो बच्चों के लिए यह साधना बहुत ही लाभदायक है, जो उनके मन के भटकाव को कम करती है, उसके तनाव को कम करती है, उसको एकाग्र बनाती है। तो मैंने इसके लिए अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से बात की, हमारे जो शाला विकास समिति के अध्यक्ष है, समिति है, उनसे बात की और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन सब ने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसको करने के लिए एग्री हैं और हम लोग काफ़ी वर्षों से इसको कर रहे हैं और जैसे जैसे सबको इसकी मतलब इसका फ़ायदा सबको मिला तो उन्होंने हमेशा अपनी क्लास में इसको मतलब प्रयोग किया। प्रारंभ में ही हम लोग कर लेते हैं, जैसे ही दौड़ भागते हुए बच्चे आते हैं और प्रथम पीरियड में ही जब ये टीचर्स करवाते हैं तो वो काफ़ी शांत हो जाते हैं और जब एक शांत मन होता है, एकाग्रचित्त मन होता है तो वो टीचर्स और बच्चों के लिए दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही अनुशासित होकर के बच्चे जो है वो अध्यापन कर पाते हैं। और बाकी जो इसमें है कि बच्चा अन्य कार्यों में भी, अन्य गतिविधियों में भी बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और व्यसन से, इन सब से भी काफ़ी दूर होते हैं। तो एक जो किशोरावस्था में एक लाइन जो मिल जानी चाहिए आगे जीवन के लिए, उसको बहुत अच्छे से बच्चे तय कर पाते हैं। हाँ सर, हम लोगों को काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। हम लोगों को अपने जो भी नेगेटिव जो है, हर इंसान का नेचर होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते ही हैं, तो हम इस शिविर में शामिल होते हैं, जिससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को हटाने के लिए। और बच्चों में भी हमने काफ़ी परिवर्तन देखा, जो बच्चे काफ़ी चंचल रहते थे, ज़्यादा मतलब पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, ये शिविर के द्वारा उनमें बहुत परिवर्तन हुआ है। उनके मार्क्स देख के उनमें होने वाले परिवर्तन हम देख सकते हैं और जो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके लिए तो मैं अपनी प्राचार्य मैडम को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहा है, क्योंकि बच्चों का मन जो है वो इधर उधर भटकते रहता है, साथ ही साथ उसके मन भटकने से शिक्षकों के द्वारा भी शिक्षण कार्य भली भांति नहीं हो पाता है। तो शुरू में प्रतिदिन 10 मिनट का आनापान शिविर से भटके हुए मन को हम एकाग्रचित करते हैं, जिससे बच्चों का मन जो है एकाग्रचित होकर पढ़ाई के प्रति सकारात्मक भाव से लगता है, जिससे शिक्षण भी अच्छा होता है, उनका अनुशासन और आचरण में सुधार हुआ है। और इसी दौरान हमने एक बच्चे पे तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखा। वह बच्चा जो है, हम लोग उसको एक बदमाश बच्चे के रूप में हम लोग देखते थे, उसका व्यवहार ही वैसा रहता था। तो आनापान वो करने के बाद में हम उस पर बहुत परिवर्तन देखे और उस वह जो है एक बदमाश बच्चा न रह करके वह जो है एक पढ़ने वाला बच्चा हो गया और हर परीक्षा जो भी एग्ज़ाम होता था वो रुचिपूर्ण ढंग से और अच्छे से वो नंबर लाकर वो पास होता था। तो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट तो ये कह सकते हैं सर, बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई। बच्चे पहले आते नहीं थे और धीरे धीरे जैसे ये शिविर जब से चलने लगा है तो बच्चे इसमें, हम लोग क्लास में करवा रहे हैं तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और बच्चे इस चीज़ को अपने घरों में भी सिखा रहे हैं, खुद भी इस करते हैं और बच्चे अपने परिवार में भी इसको सिखाते हैं।
तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हम बोल सकते हैं। और बच्चे का प्रतियोगी प्रति जो परीक्षा की तैयारी है, क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है, इसका प्रॉफिट ही मिल रहा है कि वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। अगले दिन भी क्या, जिससे हमारा जो मस्तिष्क है एकाग्र होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हम अपने मस्तिष्क को जो पढ़ाई के समय भटक रहा था उसे एकत्रित। कोविड के बाद पढ़ाई में काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हुआ है, इससे पहले ध्यान इधर उधर भटकता था, लेकिन सुबह शाम करने से ध्यान केंद्रित हुआ है और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, नंबर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।